नमस्कार दोस्तों, ये सरसों साग है। कल हम बाजार से ले आए थे तो काट देते हैं। ये सब साग को हम लोग तोड़ दिए हैं। इसको काटना ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए हम लोग हाथ से इसको तोड़ दिए। ये इतना सारा हो गया है और इधर ये डंठल वगैरह सब निकल गया है। पहले हम लोग इसको धो करके साफ कर लेते हैं। इसको खूब बढ़िया से धोना होगा क्योंकि इसमें बालू वगैरह रहता है। थोड़ा देर भिंगा के रख देते हैं। ये हम लोग भिंगा कर रख दिए, थोड़ा देर तक भिंगने दीजिए ताकि इसमें बालू वगैरह लगे रहता है, वो ठीक से निकल जाएगा। तब तक हम लोग घर के आंगन में एक केला का पेड़ लगाए हैं। केला का फल हुआ है, उसमें एक फूल है, उसको तोड़ करके लाते हैं। ये यहाँ पर हम लोग केला का पेड़ लगा के रखे हैं। दो तीन ठू फल हुआ है, उसका एक फूल है, उसको हम लोग अभी तोड़ते हैं। ये यहाँ पर है, इसको गिर गया, ये कटा दिया। ये एक ठू केला का फल है और ये एक ठू इसका अभी हम लोग फूल तोड़ लिए। इसका जड़ हम लोग हटा दिए, ये खीर निकल रहा था, ऊपर का छिलका हटा देंगे, अंदर वाला बनाएंगे, अंदर वाला सॉफ्ट होता है। इसका भी हम लोग पहले सब्जी बनाए थे, आज हम लोग आलू के साथ में बनाएंगे। ये फूल का ऊपर वाला छिलका हटा देते हैं, कुछ इस तरह से दिखता है। अंदर भी ये फूल है, ये टाइट है, ये पकता नहीं है, तना से इसको हटा देते हैं। ये खूब बढ़िया साफ हो गया है, सारा बालू निकल गया है, पानी के अंदर हो गया है। पहले हम लोग साग भाजी बनाएंगे और ये आलू और ये क्या बोलते हैं इसको, केला का फूल का भाजी बनाएंगे। इसको भूनेंगे हम लोग, इसके प्याज काट देते हैं। ये एक प्याज ले लिए, साग भाजी बनाने के लिए ज़्यादा तेल हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, थोड़ा ही से यूज करते हैं। और ये तो आलू और केला का फूल का भाजी बनाएंगे, इसके लिए हम काट रहे हैं प्याज। और उसमें मिर्चा का छौंका लगाएंगे, हरा मिर्चा। और ये एक टमाटर बचा हुआ है, इसको साग में मिलाएंगे। ये अभी दिखने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, पकने के बाद में पूरा घट जाएगा। साग भाजी तैयार होता होता तब तक हम आलू और केला का फूल काट देते हैं। इसका थोड़ा छिलका हटा देते हैं। एक ठू टमाटर हम लोग काट के रखे थे, उसको भी डाल दिए साग में। नमक बाद में डालेंगे क्योंकि घट जाने के बाद में नमकीन हो जाता है, अंदाज़ा नहीं होता है। साग बनाते समय हमेशा हम लोग नमक बाद में डालते हैं, पहले थोड़ा सा भूंज लेते हैं, थोड़ा घटने लगता है तब डालते हैं। ये अभी हम लोग नमक भी डाल दिए, थोड़ा सा घट चुका है और ये बहुत जल्दी पक जाता है। खूब मस्त पक रहा है दोस्तों। एक ही टू टमाटर था और उसी को मिला दिए हैं अभी हम लोग। और ये आलू का भुजिया जो बनाएंगे उसमें टमाटर का दरकार नहीं है। और ये प्याज काट दिए हैं और आलू और केला का फूल भी काट देते हैं। ये साग भाजी तैयार हो गया है, अभी हम लोग इसको उतार देंगे। और ये थोड़ा सा आलू भी काट दिए हैं और ये फूल को भी काट देंगे।
ये इस तरह दिखता है दोस्तों कटने के बाद। ये अंदर का सॉफ्ट होता है और ऊपर का एक छिलका और हटा देंगे, ये वाला, ये जो लाल लाल दिख रहा है इसको हटा देंगे क्योंकि ये पकता नहीं है। ये इस तरह से हटा देते हैं इसको। इसका फूल है, इसको भी पकाएंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों खूब अच्छी तरह से काट दिए हैं। पहले हम लोग इसको उबालेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा लस्सा होता है और उबाल लेने से वो लस्सा ख़त्म हो जाता है। ये पानी चढ़ा दिए हैं कढ़ाई में, डाल देते हैं अभी हम लोग। ये उबल जाने के बाद में उसमें लस्सा जो है वो ख़त्म हो जाता है। बिना उबाले ये बनाने से लस लस करता है और उबाल लेने से ये लस्सा ख़त्म हो जाता है और बहुत अच्छा लगने लगता है। तो चलिए पहले उबाल लेते हैं, उसके बाद में हम लोग बनाएंगे आलू के साथ में। ये केले का फूल उबल के तैयार हो गया है, इसको निकाल लेते हैं। और ये आलू को भी धो के साफ कर लिए हैं, थोड़ा सा मसाला पीस लिए हैं और ये हरा मिर्चा और प्याज ले लिए हैं छौंका लगाने के लिए। तो ये सब निकाल लिया, अभी पहले हम लोग आलू को फ्राई करेंगे। ये देख सकते हैं केले का फूल उबल के तैयार हो गया और हम लोग पानी से निकाल दिए हैं, ये इस तरह का दिख रहा है। ये कढ़ाई धो करके साफ करके हम लोग दोबारा से चूल्हा में चढ़ा दिए हैं, थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। उसके बाद सरसों तेल डालेंगे, थोड़ा सा केले का फूल को ठंडा पानी से धो ले रहे हैं। और ये इसका पानी हटा देते हैं। और ये कढ़ाई गर्म हो चुका है दोस्तों, ये सरसों तेल डाल दिए, थोड़ा सा गर्म होने देते हैं तेल को। ये प्याज और हरा मिर्चा को डाल दिए हैं, थोड़ा देर तक इसको फ्राई कर लेते हैं। ये प्याज और मिर्चा थोड़ा सा फ्राई हो गया है, पहले हम लोग आलू को फ्राई करते हैं। ये आलू डाल दिए हैं, ये आलू फ्राई हो चुका है दोस्तों। अब हम लोग केले का फूल को डाल देते हैं, ये केले का फूल भी डाल दिए हैं, इसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं पहले। ये नमक भी डाल दिए, ये नमक डाल दिए थे, थोड़ा देर तक फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद ही मसाला डालेंगे। जा गया है, अभी हम लोग मसाला डाल देते हैं। ये मसाला डाल दिए, ये तैयार हो गया दोस्तों, अभी हम लोग उतार देते हैं। खूब मस्त बन गया दोस्तों। खाने का समय हो गया दोस्तों, खाने के लिए निकाल रहे हैं अभी हम लोग। ये देख सकते हैं दोस्तों हम लोग सुबह यानी कि दोपहर का भोजन माड़ भात खाते हैं और ये निकाल लिए हैं। और ये सरसों साग का भाजी, और ये कढ़ाई में है हम लोग का केला का फूल और आलू का सब्जी। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये केला का फूल और आलू का सब्जी है। ये केला का सब्जी खा करके देखते हैं दोस्तों, बहुत मस्त लग रहा है। सरसों साग का भाजी भी बहुत बढ़िया लग रहा है, हमारे घर में बहुत पसंद करते हैं सरसों साग का भाजी।